नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज आईएएस पीसीएस के लिए। तो ये अभी तक हम लोग 14 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 15 है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस शामिल रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक। और प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला? भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन, इसमें चुनाव आयुक्त को उसी रीति से तथा उन्हीं धाराओं पर हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सही है। संविधान ने सरकार द्वारा सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को किसी भी भावी नियुक्ति को प्रतिबंधित कर दिया है, गलत है। इसमें केवल आपका एक सही है, ठीक है। संविधान द्वारा सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों की सरकार द्वारा आगे अन्य किसी नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सुन लीजिए फिर से। संविधान द्वारा सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों की सरकार द्वारा आगे अन्य किसी नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है दूसरा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सेवानिवृत्त के बाद सीएजी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी अन्य पद के लिए आह नहीं होता है, सही है। सीएजी की सभी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये भी सही है आपका, ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 148, याद रखने, इनमें दोनों आपके कथन सही। भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है, याद रखिए। इसके कार्यालय की बात करें तो इसके कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में जो कथन नीचे दिए गए इन पर विचार करना है, सही कथन हमें चुनना है। संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निर्धारित कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, सही है। उसे एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेष अधिकार और भत्ते मिलते हैं, ये भी सही है। उसे निजी विधिक कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता, ये भी सही है, ठीक। तो इसमें आपके तीनों कथन सही है। और याद रखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी न्यायवादी के पद की व्यवस्था करता है, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक। तो इसमें आपका तीसरे में डी था, तीनों सही थे, ठीक है। याद रखिए, ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली रहेगी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। क्वेश्चन है आपका चार, संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको बता देना है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है। क्या है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, ठीक है। आगे बात करते हैं हमको 5वां, हाल ही में जैसे कि आपको पता होगा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में भारत में वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत विदत्त एक गैर न्यायिक संविधानिक निकाय है, गलत है। क्या है? गलत है आपका। यह स्थानीय सरकारों हेतु संसाधन जुटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, गलत है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, ये भी आपका गलत है। तीनों कथन आपके गलत हैं। आखिर सही क्या है वो सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई थी।
वो याद रखना है, इसके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके एनके सिंह। ठीक है, भारत का वित्त आयोग संविधान का अनुच्छेद 280, क्या 280 एक अर्ध गैर न्यायिक संवैधानिक निकाय नहीं, सुनिए, एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या जब भी वह जरूरी समझे तब गठित कर सकता है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर स्थानीय सरकारों के संसाधनों की संपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय है। ठीक है, और जो इसकी बात कर रहे हैं तीसरा, तो संरचना और एकता वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। संविधान ने संसद को वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया को निर्धारित करने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो इसमें तक क्या था पांच में, आपका डी। क्वेश्चन है छह, क्वेश्चन क्या है छठवा, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान वेतन प्राप्त होता है और उनकी शक्तियां भी एक समान होती हैं, सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को ठीक उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, सही क्या होगा इसमें, पहले तो सबसे पहले याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 324 में यह व्यवस्था है कि संसद राज्य विधायिकाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का पर्यवेक्षक दिशा और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। ठीक है, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखना है केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को का कार्यकाल सुनिश्चित होता है और उससे हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर चुनाव आयुक्त को अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है आपका, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती हैं, गलत है। उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें दोनों कथन आपके गलत है। सही क्या है आखिर, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकेगा। क्या है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के की जो योग्यता रखता हो उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में या 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और महान्यायवादी के पद के कार्यालय को भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, संविधान में उसे हटाने के लिए प्रक्रिया और आधार उल्लिखित नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। तो साथ में आपके दोनों कथन गलत थे। क्वेश्चन है आठ, क्या है आठ, लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सही कथन चुनना है इसमें से। संविधान ने आयोग के लिए 9 सदस्य और 1 अध्यक्ष की सदस्य संख्या निर्धारित की है, ये आपका गलत है। दूसरा कथन क्या है, आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्षों तक संघ सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी पद पर रहे हों, ये कथन आपका सही है। यानी कि दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, यह एक स्वतंत्र संविधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 में
अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के तहत इसके गठन, नियुक्ति और इसके सदस्यों के पद से हटाए जाने के साथ ही इसकी स्वतंत्रता, शक्तियाँ और कार्यों से संबंधित प्रावधान हैं। UPSC संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सबसे पहले याद रखिए, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संविधान में इनकी सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है, सबसे बड़ी बात यही रखिए, संविधान में इनके सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। इसका निर्णय राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर छोड़ा गया, जो आयोग की संरचना निर्धारित करता है। सामान्यतः आयोग में अध्यक्ष से 9 से 11 सदस्य होते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 9, क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। इसका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, होता है, सही है। उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, ये भी सही है। तो आपकी दोनों कथन सही है, याद रखना है, दोनों कथन आपके सही है। क्वेश्चन है आपका 10। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इनमें से देखना है सही कथन नहीं है, क्या है, कौन सा सही कथन नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा सर्वसम्मति से की जाती है, ये आपका गलत है। JSPSC के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए और 62 वर्ष की साल की उम्र होने, जो भी पहले हो, पद धारण कर सकते हैं, ये सही है। वे अपनी वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट संबंधित राज्यों के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ये सही है। इसमें पूछा क्या है, सही नहीं है, तो याद रखना एक कथन आपका सही नहीं है, बाकी दोनों कथन सही है। एक कथन का सही क्या होगा, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है आपका 11, क्या है 11, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अस्तित्व में आया, सही बात है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के पद की अवधि प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होती है, यह आपका गलत है। यह अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है तथा उनके कामकाज का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। तो आपका 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो इसमें हम लोगों को देखना है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत वर्ष 1990 के 65वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में आया था, दोनों की SC के लिए ST के लिए कि पहले एक ही राष्ट्रीय आयोग होता था। बाद में अनुसूचित जनजाति के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा के लिए वर्ष 2003 में 89वें संविधानिक संशोधन द्वारा पारित करके एक अनुसूचित जनजाति आयोग अलग से बना दिया गया है। ठीक है, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338A। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया। इसके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 3 साल होता है, ना कि 6 साल। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या था, 1 और 3 आपका कथन सही था, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 12, क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह एक संविधानिक निकाय है, गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष NRC की एक कार्यकारी सदस्य होती है, सही है।
अध्यक्ष सदस्य की 6 साल की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, ये भी आपका गलत है। इसमें एक कथन आपका सही है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। 1993 में संसद द्वारा अधिनियम कानून अर्थात मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम को बाद में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया, बाद में 2019 में, ठीक है। अब पता है 3 वर्ष पहले था इसमें 5 वर्ष, लेकिन अब 3 वर्ष और 70 वर्ष आयु कर दी गई है निर्धारित, ठीक। क्वेश्चन है, इसमें केवल 2 कथन सही था, ठीक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 12-13, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह एक संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, यह एक सांविधिक निकाय है, गलत है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, ये भी आपका गलत है। CBI के निदेशक को उसके पद पर 2 वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, ये भी सही है। 3 सही है और 1-2 आपका गलत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी, बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया तथा वर्तमान में यह एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का भी CBI में विलय कर दिया गया है, ठीक है। CBI की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी संथानम समिति, याद रखना है संथानम समिति CBI से संबंधित है, ठीक। CBI ना तो एक वैधानिक निकाय है और ना ही एक सांविधिक निकाय है। यह अपनी शक्तियां दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। CBI का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे CVC अधिनियम 2003 द्वारा 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 14, क्या है 14, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो याद रखना प्रधानमंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1-3-4, ठीक है, 1-3-4। क्वेश्चन है आपका 15, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और समूह का खागा एवं घा के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्राधिकारी शामिल हैं, सही है। अभियोजन लंबित होने की स्थिति में भी यह लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण के प्रावधानों को समाविष्ट करती है, ये भी सही है। यानी कि आपके 15 के दोनों कथन सही है, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है आपका अगला 16, क्या है 16, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार, यह एक सांविधिक निकाय है, गलत है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, सही है। दूसरा कथन सही है, याद रखिए कुछ पॉइंट। 13 अगस्त 2014 को, कब, 13 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, इसे एक नए निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया, कब, 1 जनवरी 2015 को, याद रखना है, ठीक है। और यह ध्यान दीजिए कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग को भी भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। यह ना तो संविधानिक निकाय है ना ही सांविधिक, ठीक है, याद रखना। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो एक गैर संविधानिक या अतिरिक्त संविधानिक निकाय, यानी कि संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, एक गैर सांविधिक निकाय जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है, ठीक, याद रखना है।
तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है 17, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह एक 3 सदस्यीय निकाय है, सही है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, ये भी सही है आपका, ठीक है, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्राधिकारी इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी सही है। तो इसमें आपके तीनों कथन सही है। 17 में आपका डी होगा। क्या होगा 17 का? डी। क्वेश्चन है आपका 18। क्या है 18? भारतीय संसदीय प्रणाली में अनिश्चित काल के लिए स्थगन पद संबंधित है। तो याद रखना, बिना कोई निश्चित तारीख बताए सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19। क्या 19? राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था, सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष केवल कोई महिला ही हो सकती है, ये आपका गलत है। दूसरे कथन में आपका सही क्या होगा? इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है। अधिनियम में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि केवल एक महिला ही इसकी अध्यक्ष होती है, ठीक, याद रखें। तो इसमें आपका एक कथन सही था पूछा, लेकिन क्या है इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसमें आप ला बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 20। क्या है 20? राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार। NCW में ने पारिवारिक महिला लोक अदालत की स्थापना की है, सही है। NCW महिलाओं की प्रगति को अवरोध करने वाले उत्तरदायी कारकों की पहचान करने के लिए प्रसार विचार और शैक्षिक अनुसंधान करता है, ये भी सही है। तो इसमें आपके 20 में दोनों कथन सही होंगे। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका अगला 21। क्या है 21? 21 है आपका क्वेश्चन, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है, गलत है। इसकी अध्यक्षता भारत का महान्यायवादी करता है, ये भी आपका गलत है। सही क्या होंगे इसमें? भारत का विधि आयोग गैर संवैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा हर 3 साल में, 5 साल में नहीं, हर 3 साल में गठित किया जाता है, ठीक है। इसकी सिफारिश में सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन होगा पूरी तरह से सरकार के स्वविवेक पर निर्भर है। हालांकि यह परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के विधि आयोग का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्य भी अपने स्वयं के विधि आयोग का गठन करता है, ठीक है। तो याद रखिए 21 में आपके दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था ना ही दो। क्वेश्चन है आपका 22। भारत में वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत बनाना नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया, सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार अग्नि से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य भारत है, ये भी सही। यानी कि आपके दोनों कथन सही है, 22 में आपके दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है आपका 23। क्या है? सैन्य अभ्यास है। क्या है? सैन्य अभ्यास है। तो ये सैन्य अभ्यास दिए गए आपके, ये देश है। धर्म गार्जियन भारत से सल्स गलत है। नोमेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया सही है। लामित्री भारत जापान, ये भी गलत है आपका। केवल दो कथन इसमें सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। इसमें सही क्या होगा? तो याद रखना है, धर्म गार्जियन है जो, यह भारत और जापान के बीच होता है, ना कि सेशल्स के बीच, याद रखना है। भारत और जापान के बीच होता है, और नोमोडिक एलिफेंट ये भारत मंगोलिया के बीच होता है, और जो आपका लामित्र है ये आपका भारत और सेशल्स के बीच होता है, ना कि जापान, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका केवल 2 सही था, बी ऑप्शन सही था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 24। समाचारों में रहे किंतिम चंद्रमा कि निम्नलिखित में से किसके लिए परिनियोजित किया जाएगा,
तो याद रखना विद्युत बचाने के लिए बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25। क्या है? फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, तो याद रखना विश्व आर्थिक मंच। फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच करता है। तो चलिए, ये थे आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है।